अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं अली रजा। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। देरपा अमन के कयाम के लिए ऑपरेशन नजर फसाद जारी रहेगा। आज चीफ की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हज मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, जारी ऑपरेशन का जायजा। आर्मी चीफ ने दौरा चीन पर एतमाद में लिया। मुहर्रम में अमन अमान यकीनी बनाने के लिए खुफिया अदारों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर पर हमला, बुज़दिलाना कार्रवाई है। अमन के दाई हैं मगर इज्जत से जीना चाहते हैं। भारतीय क़यादत इलेक्शन जीतने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करे। वो दिन गए जब मोदी के दादा उनकी तरक्की के लिए सीढ़ी फराहम करते थे। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब फयाज़ुर रहमान चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब की पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की यकीन दहानी। मुआशी वफ्द की वज़ीर तवानाई उमर अय्यूब से मुलाकात, दो तरफा इक़्तिसादी तआवुन बढ़ाने पर हो। LPG कीमत में 5.5 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 65.58 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 252.35 रुपए महंगा। बिजली के नर्ख में 2 से 4 रुपए तक इजाफे के लिए ECC का इजलास कल होगा। कब्जा ग्रुप के मंशा बम को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चारों बेटों समेत नाम ECL में डालने का हुक्म जारी कर दिया गया। बनी गाला तजावजात केस में इमरान खान को जुर्माना अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म सबसे पहले अपना घर कानून के दायरे में लाएं। इमरान खान दरख्वास्त लेकर आए, सबसे पहले जुर्माना उन्हें अदा करना पड़ेगा। ANP का गैस बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। असलम जारवली कहते हैं 18वीं तरमीम में हासिल करदा खुद मुख्तारी किसी सूरत वापस नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने अफगानियों को शहरियत देने की बात शायद सिलेक्टर से मशवरा नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी की पोली क्लिनिक अस्पताल आमद। ज्यादती का शिकार खातून पुलिस अहकार की अयादत, कहते हैं मेरी जाती वजारत और इस्लामाबाद पुलिस के लिए टेस्ट केस है। और कराची सिटी कोर्ट में खातून साहिल ने वकील का सर फाड़ दिया। वकील मेरा पीछा कर रहा था, खातून का इल्जाम, पुलिस ने खातून को तहरीर में ले लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात शामिल। उम्मीद टीवी से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट umeedtv.tv।